तो हाय एवरीवन, आज फिर से एक नए वीडियो में आप लोगों को स्वागत है। और फ्रेंड्स, अभी जो है हमारी तबीयत थोड़ा सा डाउन चल रही है। क्या हुआ है मैं आप लोगों को बताऊंगा क्या हो गया है इस टाइम, और जो जिस वजह से मैं 3 दिन इस वीडियो भी नहीं बना पा रहा हूँ। आपने पिछले वीडियो में देखा भी होगा मेरी कंडीशन, जो वैसी कंडीशन की मुझे क्या हुआ था। और आप लोगों को जिस जगह पर हूँ मैं इस जगह के फेमस जगह भी दिखाऊँगा, थोड़ा सा दिखा दूँगा। कभी भी नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, कभी अगर यहाँ पर आते हैं तो आप लोगों को वीडियो ज़रूर ला के देंगे। तो अभी क्या हुआ था यार, यहाँ पर जो है अंदर कट गया था और दाने निकल आए थे, जिससे कि ना तो हम 3 दिन से खाना खा पा रहे थे और काफ़ी मुझे प्रॉब्लम भी हुई थी, और इसी वजह से मैं वीडियो भी नहीं बना पा रहा था। तो कुछ लोगों ने कमेंट किया हुआ था कि भाई वीडियो क्यों नहीं ला रहे, तो इसी वजह से, और हो सकता है कि बस आज या कल से वीडियो फिर से रेगुलर आएंगे और पूरा अपडेट आप लोगों को फिर से देंगे, क्योंकि ये चैनल व्लॉग्स का है। आप लोगों के साथ मैं ये भी शेयर कर सकता हूँ, पर्सनल व्लॉग्स भी, और बोलने में अभी बहुत दिक्कत हो रही है। आप लोग देख सकते हैं, अगर गौर से करेंगे देखिए स्वेलिंग है या नहीं है, अभी भी स्वेलिंग है और मैं नहीं बोल पा रहा हूँ सही से, और जो काफ़ी प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ रही है, और दवा भी खानी पड़ रही है, और दवा की वजह से पेट में भी काफ़ी प्रॉब्लम हो गई है। तो दवा क्योंकि हार्ड चल रही है, और थोड़ा सा दवा का नॉलेज भी है, मतलब जानते होंगे कि मेडिकल स्टोर है घर पे, तो काफ़ी नॉलेज भी है, तो मैं अपने हिसाब से दवा खा रहा था, तो जिससे कि थोड़ी सी दवा हार्ड थी तो पेट में भी थोड़ी दिक्कत होने लगी थी, तो मैं खाना भी नहीं खा रहा था। वही दिन में एक बार या एक दिन तो केवल दूध चावल ही खा पाया था, और आवाज़ मुझसे नहीं निकल रही थी, मैं बोल नहीं पा रहा था, और जिस जगह पे कटा हुआ उसी जगह पे दांत भी मेरा नुकीला है। तो उससे प्रॉब्लम ये होती कि जैसे ही थोड़ा सा ठीक होने लगता है उसी जगह पे फिर से जगह घाव वहीं पे बना लेता है, क्योंकि वही कट जाता है। इस वजह से ना ज़्यादा बातचीत करता हूँ, कहीं पर निकलता भी नहीं हो। आज काफ़ी दिन बाद जो है मैं यहाँ पर बाइक से निकला हुआ हूँ, और इसी वजह से मैंने सोचा कि आप लोगों को अपडेट भी दे दूँ। टाइम भी शाम का है, ये शाम को वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ। आप लोगों को जो फेमस यहाँ के प्लेस हैं आप लोग बता दें, ये जो है आप लोग देख रहे हैं ईश्वर प्रेम आश्रम, ये आप लोग जो है नवस्था चौराहे से जब आएंगे तो नवस्था चौराहे से थोड़ा सा आगे जब बढ़ेंगे तो फिर से जब 100 मीटर आगे बढ़े तो एक बाएं साइड के लिए मोड़ गई हुई है, या तो आप जब बर्रा आएंगे तो बर्रा से सचान के लिए मुड़ेंगे, तो सचान के लिए ये जब मुड़ेंगे तो सचान से जो है अपने दाहिने साइड, बर्रा से सचान आएंगे दाहिने साइड जब मुड़ेंगे, काफ़ी अच्छा मंदिर है ये जो बना हुआ ईश्वर प्रेम आश्रम। और देख सकते हैं ये बहुत ही अच्छा, अंदर बहुत ही काफ़ी खूबसूरत मंदिर बना हुआ है। आप लोग कभी भी आइएगा तो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मज़ा आता है, अच्छा लगता है। और जो है आप लोग कभी भी आना, देखते हैं ये आप लोगों को थोड़ा डायरेक्शन बताते हैं। और फ्रेंड्स, जैसे ही हम ठीक हो जाते हैं, थोड़ा आराम है, और जैसे ही हम आराम थोड़ी सी और मिलती है, मैं जो है कल जाके वीडियो जो है शूट करूँगा, और आप लोगों के साथ फिर से वीडियो रेगुलर आएंगी, और आप लोगों को सारे अपडेट फिर से देंगे। तो आप लोग फेस देख सकते हैं कितना डाउन हो गया, क्योंकि खाना वगैरह भी काफ़ी डाउन हो गया था। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर पहली बार, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ये देखिए ये कुछ मौज मस्ती कर रहे हैं कुछ बच्चे, तो इस वजह से थोड़ा सामने चलो कैमरा दिया। तो मिलते हैं कि नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।